suave que decir yo. चलिए अब करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी जानकारी, आज से 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आगाज होने वाला है। पहले दिन पीएम मोदी समेत 280 सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करेंगे और 28 जून को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र चलाया जाएगा। तो सत्र के 10 दिन में कुल 8 बैठकें होने वाली हैं और बता दें कि आज से पहले संसद सत्र का आगाज हो जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आगाज होगा। पहले दिन पीएम मोदी समेत 280 सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करेंगे तो 28 जून को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। 3 जुलाई तक चलेगा लोकसभा का सत्र। सत्र के 10 दिनों में कुल मिलाकर 8 बैठकें होंगी। तो आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में मजबूत स्थिति में दिखेगा विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के आसार हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। बता दें कि अग्निवीर पर भी विपक्ष हो सकता है हमलावर और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है पहला वो शुरू होने वाला है। लोकसभा में मजबूत स्थिति में इस बार विपक्ष दिखाई देने वाला है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के आसार भी हैं क्योंकि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। शुभम इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। शुभम, क्योंकि देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज संसद का, ऐसे में जाहिर है जिस तरीके से अभी फिलहाल तमाम मुद्दे चल रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि देश में तमाम अहम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे पेपर लीक हो, अग्निवीर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी बात अलग अलग तरीके से रखता हुआ नजर भी आ रहा है। बीते दिनों कांग्रेस ने नीट, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों को अहम मुद्दा भी बनाया, जिसमें खास तौर से कांग्रेस ने देश में, प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के प्रदर्शन भी किए। ऐसे में आज से जो सदन शुरू होना, 18वीं लोकसभा का जो सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जो तमाम सदस्य हैं वो शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद मंत्रीगण और इस तरह से कुल 280 जो माननीय सदस्य हैं वो शपथ लेंगे। उसके बाद बचे हुए जो सदस्य हैं वो अगले दिन अपनी जो शपथ है वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। 26 तारीख को स्पीकर पद की चुनाव होगा। 27 तारीख को इस पूरे मामले में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है संबोधित करेंगे। 28 तारीख को राष्ट्रपति के जो भाषण रहेगा उसको लेकर के जो है पक्ष विपक्ष दोनों ही जो माननीय सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुद्दों में अपनी बातचीत रखते हुए सदन में नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में इस बात की अगर बात करें तो अभी तक फिलहाल बीते करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी भी तरह से सदन में जो है अभी तक एनडीए को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना सदन में करते हुए नहीं दिखते थे, लेकिन फिलहाल इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने उस आंकड़े से दूर है, सहयोगियों के भरोसे इस बार सरकार में है, तो लिहाजा विपक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। विपक्ष जिन मुद्दों को खास तौर से मजबूती से उठाता आ रहा है, जिसमें पेपर लीक समेत तमाम अहम मुद्दे हैं, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के पहले ही विपक्ष सवाल खड़े कर चुका है कि तमाम ऐसे वरिष्ठ सदस्य थे जिनको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बनाया जा सकता, आखिर सत्ता पक्ष से ही क्यों। तो लगातार सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष इस माहौल को पूरी तरह से कैरी ऑन करना चाहेगा सदन के दौरान भी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम अहम मुद्दे विपक्ष लंबे समय बाद मजबूती से सदन में नजर आने वाला है, तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार का ये सत्र होने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए